पीएम मोदी ने कोरोना के खिलाफ जंग में देश को सराहा। गीतकारों और कलाकारों के योगदान को भी अहम बताते हुए महामारी में संगीत को महत्वपूर्ण बताया। देश भर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या 1,90,535 हो गई है, जिनमें से 93,322 सक्रिय मामले हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 8,392 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 230 लोगों की मौत हो चुकी है। गृह मंत्रालय के निर्देश के बाद आज दूसरा दिन देश में अनलॉक की शुरुआत का है। वहीं हम आपको बता दें, 70 दिनों के लॉकडाउन के बाद अनलॉक का दूसरा दिन है। यह तस्वीरें जो आप देख रहे हैं दिल्ली द्वारका जिला थाना नजफगढ़ की हैं, जहां लॉकडाउन के पहले दिन से ही SHO सुनील कुमार मित्तल और उनकी टीम द्वारा गरीब प्रवासी मजदूर और जरूरतमंदों को खाना, दूध, मास्क और सैनिटाइज देने के साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग का खासा ध्यान दिया गया है। नजफगढ़ थाने की टीम अपने सभी क्षेत्रों में जा जाकर राशन किट के साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग के लिए जागरूकता अभियान भी चला रही है। आज लगभग 71 दिनों के बाद थाना नजफगढ़ द्वारा संचालित नर सेवा नारायण सेवा रसोई का समापन किया जा रहा है। इस मौके पर द्वारका जिला एडिशनल DCP RP मीना द्वारा नर सेवा नारायण सेवा में योगदान किया और खाना, मास्क, फल वितरण किए, साथ ही थाना नजफगढ़ SHO और उनकी टीम की सराहना की। GNN न्यूज संवाददाता से DCP RP मीना की खास बातचीत हुई तो उन्होंने क्या कहा, आप भी सुनिए। कोरोना महामारी संकट के चलते लॉकडाउन भारत में हुआ और ये 71 दिन तक रेगुलर चलता रहा, लॉकडाउन 1, 2, 3, 4, और अब अनलॉक लग गया है। आज थाना नजफगढ़ दिल्ली पुलिस ने जो लंगर लगाया था लॉकडाउन के पहले ही दिन से, आज उसका समापन है और आप देख रहे हैं कि बहुत लंबी कतारें और लाइन लगी हुई हैं लोगों की, गरीब प्रवासी मजदूर और जरूरतमंदों की, जो कि उनको यहाँ पर ठंडा पानी शरबत के रूप में और खाना भी मुहैया कराया जा रहा है। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं एडिशनल DCP साहब, उनसे हम बात करते हैं कि क्या कहते हैं वो 71 दिन यह नर सेवा नारायण सेवा जो की है दिल्ली पुलिस ने, थाना नजफगढ़ पुलिस ने, महिला पुलिस ने उनके लिए। देखिए, ये जो लॉकडाउन पीरियड की टोटल अवधि 71 दिन की जो रही है अब तक, उसमें थाना नजफगढ़ के स्टाफ ने एक बहुत अच्छा नेक कार्य किया है और इसमें अब तक तकरीबन 4.5 लाख के आसपास लोगों को इन्होंने खाना खिलाया है, साथ ही साथ ड्राई राशन भी दिया है और दूध भी दिया है और कुछ मेडिसिन्स हैं वो भी लोगों को मुहैया कराई है, जो ज़रूरतमंद हैं, जो कि प्रवासी मजदूर हैं जिनको इस समय में इसकी ज़रूरत थी, उन सबको मुहैया कराया है। तो इसमें ये मुहिम जो द्वारका जिला पुलिस और थाना नजफगढ़ ने चलाई, उसमें मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ, जो गुड समार्टियंस थे, जो NGOs थे, जो दानदाता थे, जो हमारे तमाम जिले का स्टाफ था जिन्होंने इसमें कंट्रीब्यूट किया, उन सब के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और साथ ही साथ धन्यवाद देना चाहता हूँ यहाँ की जनता को, जिनका इतना अच्छा कोऑपरेशन हमको मिला, और साथ ही मीडिया का भी, जिन्होंने हमारे स्टाफ को मोटिवेट किया, और हमारी जो महिला पुलिसकर्मी जो इस थाने की, जो अपनी ड्यूटी के बावजूद भी उन्होंने एक्स्ट्रा टाइम दे करके इस पुनीत कार्य में अपना योगदान दिया और इसमें सारा खाना बनाने से लेकर परोसने तक की सारी जिम्मेवारी उन्होंने अपने ऊपर ली है। तो इस तरह से ये एक बहुत नेक काम जो कि थाना नजफगढ़ द्वारा किया गया, उसका आज हम विराम देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अब तकरीबन जो लॉकडाउन है उसमें काफ़ी ढील दे दी गई है, प्रवासी मजदूर हैं वो भी सब अपने अपने जगह पर तकरीबन पहुंच चुके हैं और जो लाइफ है वो तकरीबन नॉर्मल स्टार्ट हो गई है। तो इस तरह जो ज़रूरत का जो टाइम है अभी लोग उसके लिए सबको यही है कि वो अपना नित्यक्रम, अपना जो रेगुलर दिनचर्या है उसको स्टार्ट करें, साथ ही साथ ऐसा नहीं है कि लॉकडाउन ख़त्म हो गया और ये कोरोना का संकट है ये ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं है, ये संकट अभी बरकरार है और इससे ज़रूरत है हमको सेफ रहने की, साथ ही साथ हमारे थाने और तमाम जिला पुलिस के स्टाफ को भी सुरक्षित रहने की ज़रूरत है। उसके लिए जो हिदायतें शुरू से चलती आ रही है उसका पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, सैनिटाइजर्स का यूज करें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और साथ ही साथ जितने भी
इसके उपाय गवर्नमेंट द्वारा निर्धारित किए हैं, इससे बचने के उपाय, उन सब का हमको अभी भी स्ट्रिक्टली फॉलो करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये संकट है, ये अभी ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन इससे डरने की भी ज़रूरत नहीं है। लोगों को अवेयर रहना है, एक निश्चित दूरी बनाए रखनी है, एक प्रिकॉशंस लेने, और साथ ही साथ अपने के अपने और दूसरों को, दोनों को सेफ रखना। सर, एक अहम सवाल है, अब लॉकडाउन अनलॉक हो गया है, खुल गया है, तो लोग अपने घरों से बाहर भी निकलने लगे हैं। जब घरों से बाहर निकलने लगे हैं तो अब भीड़ भी ज़्यादा होगी, क्योंकि पहले की तरह हो जाएगा। अब थाने में जब कंप्लेन और कंप्लेन लेकर आएगा, तो हो सकता है कंप्लेन अब ज़्यादा आए, लॉकडाउन के चलते कम आ रही थी, तो ऐसे समय में क्राइम को देखते हुए, कंप्लेनर को देखते हुए, क्या क्या सुविधाओं की जानकारी दीजिए कि किस तरीके से लोगों को आप जागरूकता करेंगे और किस तरीके से इन सारे प्रावधानों को लेकर चलेंगे। देखिए, इसमें दो सवाल आपके निहित हैं, जिसमें पहला है कि आप कंप्लेनेंट जैसे थाने में आता है उसके लिए हमारा क्या मैकेनिज्म है, और इसके बाद क्राइम बढ़ता है तो उसके लिए आपका क्या मैकेनिज्म है। इसमें मैं आपको बता दूं कि लॉकडाउन ख़त्म होने से ये नहीं है, मैंने बताया आपको कि ये पूरा संकट ख़त्म हो गया, ये ढील दी है, क्योंकि बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन से कुछ पाबंदियाँ लग गई थी, उसकी वजह से कुछ चीज़ें प्रभावित हुई है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और दिल्ली गवर्नमेंट ने उसमें ढील दी है, ताकि एक सुचारू जो है लाइफ वो शुरू हो सके, और लोग इस कोरोना के साथ अपनी दिनचर्या बिता सकें, आपके काम भी कर सकें। तो उसी के तहत ऐसा नहीं है कि हम जो है अभी लापरवाह हो जाएं और लॉकडाउन खुल गया तो इसका मतलब कि हर आदमी थाने में आके अपनी कंप्लेंट दे या अंदर घुसे या उसमें कोई लापरवाही बरते, ऐसा नहीं है। उसके लिए हमने जो पहले से सिस्टम कर रखा है कि कंप्लेंट आएंगे, आने के बाद में एक हमने थाने के बाहर प्रॉपर बूथ बनाया है, उसमें अपनी कंप्लेंट देंगे, अपनी ग्रीवेंस नोट कराएंगे, वहीं पर उनको इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स हैं वो आके मिलेंगे, और अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, कोई इस तरह की कंप्लेंट है जिसमें कि जान माल का खतरा है या किसी की जान जाने की संभावना, तो वो SHO से मिल लें, और साथ ही साथ हम भी DCP ऑफिस में वो हमसे मिल सकते हैं एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। उसमें आज हम एक डिवाइस कर रहे हैं मैकेनिज्म की, किस तरह वो हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं, तो इस तरह वो अपनी जो कंप्लेंट है उसका फीडबैक भी यहाँ से ले लेगा, कंप्लेंट उनको जो देनी है वो भी दे सकेंगे, और तमाम कार्य सुचारू रूप से चलते रहेंगे, और भीड़ निश्चित रूप से बढ़ेगी, ये चैलेंज रहेगा, लेकिन साथ ही साथ अपील हमारी सबसे ये है कि वो इतना होने के बावजूद ही अपने आप को सेफ रखें और खुद सेफ रहें, दूसरों को सेफ रहने दें। दूसरा पॉइंट जो आपका है कि क्राइम से रिलेटेड, कि इतने में क्राइम बढ़ेगा या कोई इस तरह का ज़्यादा होने की संभावना रहेगी, उसके लिए हमारी पूरी तरह से तैयारी है। हम पहले से ही जो इस दौरान जो क्रिमिनल्स जिन पर हम सर्विलेंस रख रहे थे, उन पर सर्विलेंस हम टाइट करेंगे, हमारी पिकटिंग है उनको बढ़ाएंगे, मोटरसाइकिल पेट्रोलिंग है उनको बढ़ाएंगे, तो ऐसा नहीं है कि ये हमसे बाहर चला जाए, क्राइम ज़्यादा हो, हम उसके लिए पूरी हमारी कोशिश है कि पूरी तरह क्राइम प्रिवेंट रहे, लोगों की लाइफ नॉर्मल रहे। तो दोस्तों, आपने देखा है कि प्रक्रिया वैसे ही रहेगी जैसे लॉकडाउन में चलता रहा, पूरी तरह से कंप्लेनर का भी ध्यान रखा जाएगा, बाहर बॉक्स लगाए जाएंगे, उनकी कंप्लेन उसमें डाली जाएगी, अगर कोई ज़्यादा ज़रूरी है, जानमान का खतरा है, तो उस पोजीशन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए या SHO साहब से मिलने के बाद उस काम को किया जा सकता है। फिलहाल मैं आपको दिखा दूँ, हमारे कैमरा पर्सन ऋषिपाल चौधरी से मैं कहूँगा कि वो दिखाएँ कि यहाँ पर ठंडा पानी रूह अफजा के रूप में आज 71वें दिन, आज समापन के दिन यहाँ पर लगाया गया है, सभी लोगों को यहाँ ठंडा पानी पिलाया जा रहा है। जब हम आपको बता दें कि गर्मियों में ये ठंडा पानी हर साल पिलाया जाता था, लेकिन अब लॉकडाउन के चलते समापन के दिन भी यहाँ पर ये किया जा रहा है। साथ ही मैं कहूँगा ऋषिपाल जी से कि वो दिखाएं किस कदर यहाँ पर जहाँ तक नज़र जाती है वहाँ तक लंबी कतारें और लाइन लगी हुई है गरीब मजदूर प्रवासी लोगों की, जो रोज़ाना सुबह और शाम का खाना यहाँ नजफगढ़ थाने से खाते आए हैं, लेते आए हैं, सैनिटाइज़र मास्क वगैरह उनको मिलता गया है, आज वो यहाँ पर फिर भी लाइन में मौजूद हैं। और आप देख रहे हैं कि एक बच्ची है, मास्क लगाया हुआ है, ये नजफगढ़ थाने का ही मास्क है, यहाँ पर मास्क भी सभी को मुहैया कराए गए हैं, बच्चे हैं आप देख रहे हैं कि इन्होंने भी मास्क लगाया हुआ है, ये भी मास्क नजफगढ़ थाने का ही है। जहाँ तक नज़र जाती है वहाँ तक बहुत ज़्यादा भीड़ नज़र आ रही है। अभी हमारी बात हो रही थी एडिशनल DCP RP मीणा जी से, जिन्होंने पूरी जानकारी दी कि भाई हमने 71 दिन जो सेवा की
नर सेवा नारायण सेवा के रूप में वो अपने आप में हमारा फर्ज था कि हम समाज की सेवा करें, और जहां बात कानून की आती है तो कंप्लेनर के लिए बॉक्स लगाए जाएंगे हर थाने पर। कैमरा पर्सन ऋषिपाल चौधरी के साथ ओमपाल प्रसाद, GNN न्यूज दिल्ली। देश और दुनिया की खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए GNN न्यूज, और अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।